कुछ महीने पहले ही एक्ट्रेस श्रेनु पारिक ने एनटीवी के शो घर एक मंदिर कृपा अग्रसेन महाराज की से टीवी पर कमबैक किया था। शो में श्रेनु का किरदार बेहद ही सीधी साधी एक ऐसी लड़की का था जो महाराज अग्रसेन में अटूट विश्वास रखती हैं। शो में श्रेनु के अपोजिट एक्टर वरुण अग्रवाल नजर आ रहे थे, लेकिन अब महज कुछ ही महीनों बाद श्रेनु का शो बंद होने जा रहा है। जी हाँ, शो के लीड एक्ट्रेस श्रेनु और बाकी के स्टार्स ने खुद इस बात को कंफर्म कर दिया है कि शो फाइनली बंद हो रहा है। दरअसल शो को शुरुआत में तो लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। श्रेनु की एक्टिंग से लेकर उनके पूरे किरदार को और शो की कहानी लोगों का ध्यान खींच पाने में काफी कामयाब भी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे शो टीआरपी में अंडर रेटिंग रहा, जिस वजह से मेकर्स ने अब इसे बंद करने का फैसला कर लिया है। ए टाइम से खास बातचीत में श्रेनु ने शो को लेकर कहा, हाँ शो खत्म हो जाएगा, आखिरी एपिसोड जल्द ही टेलीकास्ट होगा। तो वही टेलीचक्कर से खास बातचीत में वेदांत और सिद्धांत सिन्हा की भूमिका निभाने वाले एक्टर अंकित बतला ने भी शो के ऑफ एयर होने की खबर को कंफर्म किया और अपना दुख भी व्यक्त किया। जी हाँ, अंकित ने शो के ऑफ एयर होने पर कहा, शो मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि जब आप बाहरी स्थानों पर शूटिंग करते हैं तो यूनिट लगभग परिवार की तरह हो जाता है और मैंने शो के बीच में एंट्री ली थी, लेकिन स्टार्स और क्रू के लिए मुझे पूरी तरह से स्वीकार करना इतना भारी था। इस शो ने मुझे एक ही समय में दो अलग अलग किरदार निभाने का मौका दिया, सिद्धांत जो नेगेटिव किरदार है और वेदांत जो धर्मी वकील है। मुझे कलाकारों से प्यार है, श्रेनु और अक्षय असल में महान लोग हैं। मैं इस शो को मिस करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे ये मौका मिला। आपको बता दें कि घर एक मंदिर शो की शुरुआत अगस्त 2021 में हुई थी। शो की कहानी गेंदा नाम की एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो महाराज अग्रसेन की बहुत बड़ी भक्त है और कैसे उसका विश्वास उसके जीवन में आई तमाम चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है, यही शो में देखने को मिला। हालांकि शो का आखिरी एपिसोड कब तक आएगा फिलहाल इस बात का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन खबरें हैं कि शो का आखिरी एपिसोड फरवरी के आखिरी हफ्ते में टेलीकास्ट हो सकता है।